बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार अपने फिल्म हाउसफुल का प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। इस फिल्म में अक्षय के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सरंग, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े नजर आने वाले हैं। हाल ही में ये सभी स्टार्स मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन से पहुंचे थे। दरअसल अब तक कई स्टार्स ट्रेन से अपनी फिल्मों का प्रमोशन कर चुके हैं। अब हाउसफुल की टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया है। हाल ही में रेलवे ने प्रमोशन ऑन व्हील्स नाम की एक स्कीम का ऐलान किया है। इस नई स्कीम में आप फिल्म के लिए ट्रेनों को बुक कर सकते हैं और राइड चला सकते हैं। वहीं इसके अलावा इसमें विज्ञापन चलाने की छूट रेलवे द्वारा दी गई है। वहीं स्कीम में सबसे पहले बुकिंग हाउसफुल 4 ने की है, इसलिए हाउसफुल 4 की टीम मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हुई है। प्रमोशन के लिए पूरी ट्रेन की बुकिंग की गई थी। स्टार्स के अलावा बाकी क्रू और मीडिया के लोग भी ट्रेन में सवार होकर दिल्ली आए हैं। ट्रेन के अंदर से कई वीडियोज और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। वहीं हाल ही में एक वीडियो खुद अक्षय ने शेयर किया है। वीडियो में अक्षय की बेटी नितारा नजर आ रही है। दरअसल हाउसफुल एक्सप्रेस में खिलाड़ी कुमार अपनी लाडली को भी लेकर आए थे। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेटी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नितारा ट्रेन में बेडशीट और कंबल की मदद से टेंट बनाती नजर आ रही है। अक्षय ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं थोड़ा परेशान था कि 17 घंटे की ट्रेन जर्नी में कैसे इतनी छोटी बच्ची का मनोरंजन कर सकूंगा, लेकिन उसने खुद ही मैनेज कर लिया, टेंट बनाया और कुशन बर्थ पर जंप करते हुए टाइम पास किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि हाउसफुल एक्सप्रेस में सभी स्टार्स ने जमकर मस्ती की है और अंताक्षरी समेत कई गेम्स भी खेले हैं। फिलहाल अब फिल्म का प्रमोशन दिल्ली में होगा। फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज की जाएगी। देखने वाली बात होगी अक्षय की हाउसफुल कितना कारोबारी खर्चा कर पाएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।